नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार चीनिया से, हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चीनिया में एक ही दिन में दो लोगों की मौत, फांसी के फंदे से मिला 30 वर्षीय युवती का शव। टीबी नामक बीमारी से युवक की हुई मौत। चीनिया थाना क्षेत्र में दो अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की रविवार की रात्रि में मौत हो गई है। पहली घटना चीनिया थाना क्षेत्र के अनराहदेही टोला निवासी मग्न कोरवा की पुत्री मनीता देवी उम्र 30 वर्ष ने रविवार की रात्रि फांसी लगाकर अपने मायके में जान दे दी। मामले की जानकारी मिलते ही चीनिया थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस सब इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है। मामले में पूछे जाने पर थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या का कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की छानबीन की जा रही है तथा आत्महत्या की अग्रसर कार्यवाही की जा रही है। उधर इस मामले में परिजनों ने बताया कि मृतका मनीता देवी के ससुराल डोल गांव में था, जो अपने मायके दो दिन पहले आई हुई थी तथा रविवार की रात्रि लगभग 9 बजे अपने पति सुखराज कोरवा से बात भी की थी तथा ससुराल जाने की बात भी की थी तथा लियावन के लिए सुबह अपने पति को भी बुलाया था। बाद में क्या हुआ कोई नहीं जान सका। मृतका के 3 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। उधर दूसरी घटना चिरका गांव के तेतर टोला निवासी मनदीप भुइयां 30 वर्ष पिता सरीखा भुइयां की रविवार की रात्रि टीबी की बीमारी से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों से उनको टीबी हो गया था तथा टीबी का दवा भी चल रहा था, लेकिन अचानक रविवार की रात्रि तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण मौत हो गई। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। वहीं घटना से घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है तथा एक ही दिन दो मौत होने से गाँव में गम का माहौल बना हुआ है। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन, बीपी प्लाजा के बगल में मेन रोड गरवा। यहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ और मूल्य बिल्कुल आपकी बजट में। साथ ही यहाँ लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। तो देर ना करें, अगर आपको भी है सेकंड हैंड लैपटॉप लेना, वो भी अच्छा कंडीशन में, जांचा परखा हुआ वारंटी के साथ, तो अभी संपर्क करें। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन, बीपी प्लाजा के बगल में मेन रोड गरवा। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।